अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना शेफ गुलजार और आज मैं क्लॉक टावर पर आया हुआ हूं। हमने सोचा कि काफ़ी अरसे से हम अपना शो जो है इंडोर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको आउटडोर जो है वो लेकर चलूं और आप लोगों के लिए जो है कुछ एक नया जो है ना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो क्लॉक टावर जो है खाने पीने के मामले में बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, सुबह का नाश्ता भी होता है यहाँ, हाई टी भी होती है और साथ में डिनर भी होता है। तो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ यहाँ पर बनती हैं और एम्बियांस कैसा है यहाँ का और सिस्टम कैसा है, सर्विस कैसी है और खाने पीने का टेस्ट कैसा है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं और चलकर आपको दिखाते हैं क्लॉक टावर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है। आइए जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं अंदर आ चुका हूँ और ये रिसेप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को वेलकम किया जाता है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अगर आपको जैसे कि स्टे करना है, थोड़ा वेट करना है, तो वेट करने के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, ताकि आपकी जब बारी आए उस वक्त आप जो है अपने डिनर के लिए, लंच के लिए या हाई टी के लिए जो है आप जा सकते हैं। अंदर का माहौल किस तरह का है, सिटिंग एरिया क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, शेफ गुलजार आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू क्लॉक टावर सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो अदनान, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो मुझे यहाँ का एम्बियंस, सिटिंग एरिया जी जी, और सबसे कमाल जो चीज़ है वो क्लॉक टावर की समंदर बिल्कुल जो है वो यहाँ से बैठे बैठे नज़र आ रहा होता है। अच्छा चीज़ें हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको बारी बारी मुझे ज़रा ज़रूर सर एरिया के बारे में पहले बताएंगे। आइए सर, ये हमारे बेसिकली इंडोर डाइनिंग है, ठीक है, इसमें कैटेगरीज डिवाइड है नंबर वाइज, ठीक है, हमें मालूम होती है। इसके अलावा जो हमारे पास जो फेमस तरीन इंडोर जो एरिया है वो ग्लास के तरह का सी गैलरी एरिया कहलाता है। ये अच्छा सोफा स्टाइल भी है और सोफा सेटिंग भी है, चेयर सेटिंग भी है, बोथ सेटिंग भी है, जो कंफर्टेबल होना चाहे वो सोफा सोफा मतलब लगे और आगे जो है जिस तरह से ये अपने टेबल्स लगी हुई हैं जी, मतलब जो फैमिलीज अपने सीनियर सिटीजन के साथ आती हैं, किड्स के साथ आती हैं, प्रेफर जो करती हैं वो काउच सेटिंग करती हैं, इस तरह से भी सेट कर सकते हैं जी। ये नियर टू बुफे है, कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट होती है नियर टू बुफे सेटिंग, तो ये सेंटर सेटिंग बहुत जैसे कि बड़ी गैदरिंग है जी जी, तो फिर क्या ये आप टेबल आपस में मिक्स कर देते हैं? मर्ज कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, तकरीबन 24 तक की सेटिंग आ सकती है यहाँ पर, 24%, ठीक है। अच्छा, कलर में भी कुछ फ़र्क है, वहाँ पर ग्रे है, यहाँ पर कुछ ऑफ वाइट है जी जी, और वो जो ब्लू आपने थीम बनाई है जी जी, उसकी कोई ख़ास वजह है उस तरफ? ये बेसिकली लाइक हम कैटेगरी डिवाइड करते हैं सेक्शन वाइज, तो इस वजह से जो है डिफरेंस कलर रखे हैं हमने जी। आइए ज़रा आगे भी, श्योर जी, आइए। ये जो है ब्लू जी जो है ये आ गई है जी, अच्छी लग रही है, ब्लू है, वाइट एंड ब्लू है, प्रॉपर वाइट भी है, ब्राउन यहाँ पर आ गई, ग्रे काउचेस वो आ गए पीछे, आउटडोर में भी आपको डिफरेंट चेयर नज़र आएंगे, आउटडोर पर भी सिटिंग जो है कर सकते हैं जी बिल्कुल, जो इनको आउटडोर लाइक करते हैं वो आउटडोर बैठे हैं, जो इंडोर लाइक करते हैं वो इंडोर बैठे हैं, दोनों कैटेगरीज हैं हमारे पास। जैसे टोटल जो पूरा एरिया है जी जी, जैसे कि ग्राउंड है ये, उसके ऊपर फर्स्ट भी है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ तक है हमारे पास जी, जी तो उसमें सारा जो है अपना टोटल मिलाकर तकरीबन कितने लोगों की गुंजाइश? देखिए 550 तो बुफे में है अराउंड हमारे पास, 550 जी जी, नीचे टोटल मिलाकर नहीं, 550 सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बुफे में, 550 लोगों का है, ठीक है। और फर्स्ट पे? और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास तकरीबन 60% किया, ठीक है। सेकंड पे एक एग्जीक्यूटिव लॉन्ज है जो कि हम 30% 35% के लिए एक सेपरेटली बुक करते हैं, आप विजिट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन ए थर्ड फ्लोर है, वहाँ पर तकरीबन 120 तक की सेटिंग है हमारे पास। इसके अलावा एक क्लॉक टॉप है जो कि हमारा है फोर्थ फ्लोर पे, ठीक है। इसमें तकरीबन जो सेटिंग है हमारी 170-150 के करीब है, उनका 170-150 की जी। तो चलते हैं ज़रा बाहर का नज़ारा भी देख लेते हैं। श्योर, ये आउटडोर का पूरा आउटडोर सेटिंग
ठीक कार्टियो कहलाता है। इसमें हमने तीन कैटेगरीज डिवाइड की हुई है, चार्ली। अच्छा ठीक 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 ये हमारे पे ओवरऑल जो सेटिंग है पैटियो के अंदर हमारा 350 तक अराउंड है। ठीक माशाल्लाह। और यहाँ पर लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सी फेसिंग है, सनसेट व्यू देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, यहाँ से पूरा समंदर नज़र आ रहा है। ज़रा आपको आपको दिखाते हैं कि वो सामने समंदर है और काफ़ी लोग जो हैं वो नज़र भी आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा सनसेट के टाइम पर भी जो है ना वो भी बड़ा अच्छा व्यू ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पर वुडन का आपने वो रखा हुआ है? जी यहाँ पर वुडन आउटडोर ज़्यादातर जो है ठीक मतलब चलता है। ठीक 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 और फर्नीचर तो नहीं रह सकता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, वो किस तरह का पार्क जो है वो होते हैं? जी 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 ठीक ठीक। हमारे पास नीचे इवेंट ग्राउंड भी है। अच्छा सेपरेट पार्टीज वगैरह के लिए हम अच्छा कोई अगर इवेंट वगैरह करवाना कोई इवेंट करवाना चाह रहे थे वेडिंग से रिलेटेड हो या सेपरेट प्रोग्राम हो बर्थडे वगैरह का, 400-500 लोग सेपरेट होना चाह रहे हैं, कस्टमाइज बुफे करवाना चाह रहे हैं, ठीक मेन्यू तो वो भी हम अरेंज करते हैं। अच्छा ठीक है। तो बर्थडे पार्टी के अलावा जैसे गेट टू गैदरिंग है इस टाइप से हर किस्म की कंपनीज के सेमिनार वगैरह? हाँ बिल्कुल। ईद पार्टीज होती हैं, मेहंदी वलीमा निकाह सेरेमनी जो भी है वो हम अरेंज करते हैं, सारा अरेंज कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक। यहाँ से भी अच्छा नज़र आ रहा है ऊपर का जो एरिया है हमारा हिस्सा ही, लेकिन वहाँ बेसिकली हम आला कार्ट सर्व करते हैं सेपरेट मेन्यू। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे जो है बुफेट का सिस्टम और ऊपर जो है आला कार्ट सिस्टम रखा हुआ है। सैटरडे संडे हमारा ब्रंच भी होता है, नॉर्मली डेज के अंदर लंच भी चल रहा होता है। ठीक है। देन आफ्टर हाई टी। अच्छा बुफे जो है वो रोज़ाना है? डेली है। मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे संडे भी चल रहा होता है? तो संडे स्पेशल ये कि हम ब्रंच करते हैं सुबह 8-10। ठीक है। अच्छा तो जो इवेंट है उसमें शादी है, वलीमा है, बर्थडे पार्टी है, इस टाइप की तमाम जो इवेंट्स होते हैं। ठीक ठीक ठीक। आइए चलते हैं ज़रा आगे भी दिखाते हैं। तो एक तो ये लकड़ी का जो सिस्टम ये बनाया आपने और वो सामने काउच नज़र आ रहे हैं मुझे, ये बेत बेत के बने हुए। अच्छा ठीक 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 ठीक। हमारे कुछ मेहमान बैठे हैं यहाँ पर, सलाम दुआ करें इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है यहाँ का एम्बियंस यहाँ के? प्लीज अच्छा ठीक है। पिक्चर्स के लिए तो लाजमी पिक्चर्स सेल्फीज वगैरह बन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप फर्स्ट टाइम विजिट किया आपने? जी 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 जी। तो खाना आपने कौन सा चॉइस? आई टी में। तो उसमें जो चीज़ें होती हैं आई टी में काफ़ी वराइटीज़ का। अच्छा माशा माशा जी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़ माइक? अच्छा अच्छा नहीं नहीं माइक ले लें, कुछ भी कह सकते हैं कुछ जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम। कैसा लग रहा है? सब कुछ ठीक है? कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? तो हमने सोचा कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, जो बातें होती हैं जो कस्टमर्स होते हैं उनसे ज़ाहिर बात है कुछ बातें करें, ताकि फूड के बारे में, यहाँ के लोकेशन, यहाँ के एम्बियंस वगैरह के बारे में जो है आप लोगों को नॉलेज मिल सके। तो क्लॉक टावर की सबसे अच्छी बात यही लगी मुझे कि समंदर सामने नज़र आ रहा है, ये बड़ा एक दिल को खुश करने वाली मज़ा आता है। जब चीज़ें ये समंदर की जो वो होती है ना, उसको देखने से भी इंसान रिलैक्स हो जाता है, ये एक नेचुरल सी बात है ये तो। और उसको देखते हुए जब खाना खा रहा होता है तो बंदा ज़रा थोड़ा सा। तो आप लोगों को भी खाना पसंद आया? सबको? आपको भी पसंद आया? चलें बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने टाइम दिया हमें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। तो आइए थोड़ा सा समंदर की तरफ भी खड़े होते हैं और जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर समंदर है,
और बहुत ही अच्छा यहाँ से जो है शाम के टाइम तो बहुत ही अच्छा मंजर नज़र आ रहा होता होगा ना। तो जैसे जैसे अभी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा शाम का नज़ारा जो है ना समंदर का वो भी दिखाएं। कुदरत की एक ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है समंदर। जब आप समंदर के करीब होते हैं या उसको देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बड़े रिलैक्स होते हैं। कभी भी आपको कोई, ये मैं आपको एक बड़ा अच्छा वो दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ, कभी भी आप कोई टेंशन में हो ना तो थोड़ी देर के लिए समंदर के सामने आकर बैठ जाएं। और अगर अच्छी बैठक चाहिए तो क्लॉक टावर के सामने यहाँ पर बैठकर आराम से समंदर देखें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं और इन्जॉय करें। अकेले भी आएंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी, इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं जी। तो अब क्या आप फर्स्ट फ्लोर, मतलब छोटी पार्टीज होती हैं 60-40, उसकी अच्छा ये जो पार्टीज में जैसे बर्थडे पार्टीज वगैरह कुछ लोग सेपरेट करना चाहते हैं तो उनके लिए है ये। ठीक, ये हमारा बीच व्यू कहलाता है। ठीक है, अराउंड 60% तक की पार्टी हो सकती है सेपरेट अगर करवाना चाहें। ठीक है, जब होती है अरेंजमेंट हम कर देते हैं। 60 लोगों का यहाँ पर इजीली हो जाता है। सामने व्यूज नज़र आ रहे हो, फेसिंग है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा हॉल है, काफ़ी बड़ा है, साथ इसके बार भी है। बार भी है साथ में, बेहतरीन माशाल्लाह। आइए चलते हैं। और जी अब हम क्या देखने जा रहे हैं सर? अब हम, मैं आपको जो है एग्जीक्यूटिव लॉन्च दिखाऊंगा। एग्जीक्यूटिव लॉन्च, ये खास जो मतलब ऑफिसेज वगैरह की कोई गैदरिंग हो, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह के लिए अगर कुछ गेट टू गैदरिंग करना चाहें। जी सेपरेट है ये, इसको इस सेक्शन को हमने जो नाम दिया इत्तेहाद व्यू। अच्छा इत्तेहाद व्यू, इत्तेहाद व्यू। ठीक ठीक, जबरदस्त नजर आया। हाँ यहाँ इत्तेहाद आपको नजर आ रहा है मेन रोड। 30-25% लोगों का एक गेट टुगेदरिंग, कुछ भी पार्टी करना चाहे, मीटिंग करना चाहे, बर्थडे करना चाहे, पॉसिबल है। जबरदस्त, ठीक ठीक ठीक। आइए जी, अब आप हमें कहाँ लेकर चल रहे हैं सर? आपको आला कार्ट के थर्ड फ्लोर पे ले जाऊंगा। ये आला कार्ट है, जैसे कि आपको बताया कि बूफे जो है वो नीचे ग्राउंड पे हैं, आला कार्ट जो है वो सेकंड फ्लोर लगेगा, थर्ड फ्लोर आला कार्ट। ठीक, ये भी अच्छी खूबसूरत माशाल्लाह, हवा बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी है जी जी। ठीक ठीक ठीक, यहाँ से समंदर और क्लियर नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त खूबसूरत और सिटिंग एरिया बहुत अच्छा, 190 तक की ज़रा सिटिंग बैठ कर देखते हैं ना तो आपको, जब आप यहाँ बैठेंगे तो फिर आपको क्या बात है। बैठें सर, ज़बरदस्त, थोड़ा सा पानी चानी पीते हैं। पानी लेकर तो ये नैपकिन भी आप देख रहे होंगे, हर चीज़ का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हर खाने के अंदर, एम्बियांस का भी बड़ा इम्पैक्ट है। ये जो क्रॉकरी होती है ना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, साथ में हर चीज़ का कलर जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये जो सिटिंग है ये भी इसी हिसाब से बनाई गई है ताकि अगर बारिश होती है या कोई और ऐसा, नेचर ख़राब नहीं होता, ये रहता है ओपन एयर में। ठीक, लॉन्ग टाइम डस्ट होती है तो वॉश कर लेते हैं। अलग कट का थोड़ा मेन्यू तो दिखाएं, हम जरा मेन्यू देख लें अलग कट का कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो आप यहाँ पर बैठकर, खास लोग जो चाहते हैं कि ज़रा डिस्टर्बेंस कम हो और हम अलग बैठकर जो है ना अपने प्राइवेट जो है ना वो इंजॉय कर सकें। बहुत सारे लोग होते हैं कि बुफे पसंद नहीं होता उनको, बहुत सारा रश में जाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो
ये जो है ना अलाकार्ट है, आप अपने पसंद से सिलेक्टेड टेबल्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर कितने लोगों की सीटिंग है वैसे? 190 सर। 190, ठीक है। थैंक यू जी नाज़रीन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एपेटाइज़र के अंदर आप स्टार्टर जिसको हम कहते हैं या एपेटाइज़र कहते हैं, उसके अंदर बारबेक्यू विंग्स हैं, बुफेलो विंग्स हैं, स्टफ चिकन जो है, तंदूरी है, इसके अंदर ओरिजिनल जो है पेरी चिलीज़ हैं, चिकन स्ट्रिप्स हैं। अच्छा, सूप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए, इसलिए कि मैं जब भी कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ तो सैलेड और सूप ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सैलेड के अंदर जैसे चिकन सैलेड है, वॉलनट सैलेड है, ग्रीन फ्रेश ग्रीन सैलेड है, ठीक है जी। इसी तरह से सूप में इन्होंने चिकन कॉर्न सूप रखा हुआ है, हॉट एंड सॉर सूप है, सी फूड सूप है। बहुत सारे लोगों को समंदर के पास बैठकर सी फूड सूप या सी फूड खाने का बड़ा ही जो है पसंद होता है। अच्छा, मैं दूसरी अपनी जो पसंद की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ ऑर्डर करता हूँ, ठीक है ना। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि हाँ, ये आ गया मेरा पसंदीदा, और वो है ग्रिल चीज़ें, क्लॉक टावर फेरी चिकन, ठीक है जी। मोरक्कन चिकन, ब्लैक पेपर चिकन, बारबेक्यू भी होगा ना इसके अंदर? हाँ, बारबेक्यू भी मुझे बहुत पसंद है। तो बारबेक्यू हम देखते हैं कि बारबेक्यू में जो स्पेशल बारबेक्यू क्या है यहाँ पर, जो है ना सीजलिंग अच्छा प्राउन्स ज़बरदस्त पसंद भी है मुझे, और इसके अंदर इन्होंने अच्छे यानी कि तमाम वैरायटीज़ मौजूद हैं बारबेक्यू में भी, बड़ा ज़बरदस्त क्लासिक बारबेक्यू, बारबेक्यू मटन लेग भी है इसमें, बारबेक्यू मटन रिब भी है जी, चिकन टिक्का है, मलाई बोटी है, मलाई अपना क्या नाम है स्पेशल जो है चिकन बोटी भी है, बीफ सी कबाब है, रेशमी कबाब है, फिश का मैंने कहा था सी फूड फिश टिक्का भी है इसके अंदर, ठीक है, बीफ बिहारी बोटी भी है, ज़बरदस्त। यानी कि बारबेक्यू का भी एक अच्छा सा अच्छा कॉम्बो भी है, कॉम्बो प्लेटर भी है जिसके अंदर मिक्स जो है आपको मंगवाना हो बारबेक्यू, तो आप एक पांच लोगों का, चार लोगों का एक मिक्स बारबेक्यू प्लेटर भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा एक वो है, अच्छा ज़बरदस्त कंप्लीट एक मेन्यू है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप इसमें ग्रेवी से लेकर ड्राई चीज़ें से लेकर। अच्छा, बच्चे जब आते हैं ना तो बच्चों को लाजमी है, उनकी अपनी एक खाने पीने का एक स्टाइल होता है, तो उनको भी ज़ाहिर बात है एक अलग मेन्यू चाहते हैं वो, बड़ों के लिए अलग होना चाहिए, बच्चे जो है ना, तो बर्गर सैंडविचेस फ्राइज ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं, ताकि आप अपनी पसंद की चीज़ें खा लें और बच्चों के लिए जो है ना वो आप अपने उनके हिसाब से जो है आप मंगवा सकते हैं। तो ये तमाम कंप्लीट मेन्यू मौजूद हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा सर। और इसके बाद हम अभी आप हमें क्या दिखाएंगे? अच्छा, थर्ड फ्लोर, ये सबसे टॉप है, इसको इसका नाम क्या है आप? इसको बीच व्यू मतलब इसको क्लॉक टॉप का नाम दिया, क्लॉक टॉप, जैसे क्लॉक टावर है इसी तरह से इन्होंने सबसे टॉप पर भी एक वो बनाया है, जहाँ पर यानी कि इस बिल्डिंग का सबसे हाइट वाली जगह है, जहाँ पर आप बैठकर आराम से बहुत ज़्यादा गर्मी इस मौसम में तो बहुत ज़बरदस्त व्यू अच्छा आएगा, व्यू अच्छा आता है, हवा अच्छी आ रही होती है, और बंदा बड़ा रिलैक्स होकर जो है ना खाना खाता है। खाना खाना सिर्फ मतलब नहीं होता, खाने के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, और इस तरह के माहौल में खाने का मज़ा जो है कुछ और है, ताकि आप रिलैक्स होकर खाना भी खाएँ, बातें भी करें, ठीक है ना, इत्मीनान के साथ, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं सबसे टॉप वाला जो है ना वो देखते हैं जी। तो सबसे टॉप पे ले जा रहे हैं आप, सबसे टॉप पर ले जा रहे हैं, और देखते हैं सबसे टॉप पर क्या है, ऐसी चीज़ है जो क्लॉक टॉप ज़बरदस्त, यहाँ से पूरे कराची का नज़ारा हो सकता है। प्लीज़ जी जी,
जी नाजरीन, तो ये देख सकते हैं इस वक्त मैं सबसे टॉप पर मौजूद हूँ क्लॉक टावर के। और टॉप का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ें आपको क्लियर यहाँ से पूरा रोड आपको जो सी व्यू का रोड है पूरा आपको नज़र आ रहा होगा और तमाम चीज़ें यहाँ से बहुत ही क्लियर, हर चीज़ बड़ी क्लियर, हवा बहुत अच्छी है। हाँ, मज़ा आ गया। और मौसम भी आज बस बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं आज कराची के मौसम के अंदर, ठीक है ना। वैसे ऐसे मौसम में बारिश भी हो जाए तो तब भी जो है ना दोबाला हो जाएगा मज़ा। तो यहाँ पर भी अलग कार्ट है, यहाँ पर भी अलग कार्ट है, यहाँ पर भी सेपरेट एक कैबिन बने हुए हैं इसका, बड़े बड़े 25% के दो कैबिन ऐसे हैं, ठीक है। सेपरेट करना चाहें दो तरीके हैं, एक मेन है, मेन उस पर भी आप अपने खाने का वो कर सकते हैं और इस तरह से सेपरेट जो है ना वो भी बना हुआ है ताकि आप अगर सेपरेट कुछ पार्टी वार्टी करना चाहते हैं अकेले कुछ प्राइवेट लोगों के साथ तो वो आप मीटिंग वगैरह के लिए भी इसको बुक कर सकते हैं। और रात में ये लाइटें वाइटें जल जाती हैं, तो तमाम लाइट ऑन हो जाती हैं, रात में लाइटें भी जल जाती हैं, फाइव लाइट अच्छा लगता है रात को जलते जी, ज़बरदस्त व्यू भी आपको रात में नज़र, क्योंकि हमने बड़ी शेड लाइट लगाई हुई है। अच्छा ठीक, अंदर की वेव्स आपको नज़र आएंगी यहाँ पर, एक बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बिग बहुत बड़ी एक लाइट लगाई हुई है जिससे जिसको समंदर पर लाइट जो है डाली जाती है तो समंदर का पानी जो है ना वो आपको रात में भी बड़ा ही मज़ेदार सा जो है मिल रहा होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कहाँ, किचन में, ठीक है ठीक, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं तो किचन का दौरा करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है बन रही हैं, फिर उसके बाद आपको बताए हम टेस्ट भी करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा खाना है यहाँ का, ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक फिर वापस आते हैं जी। तो हम इधर बुफे में आ गए और यहाँ से जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले ज़ाहिर बात है आपको बताया गया स्टार्टर के अंदर सैलेड जो है वो होता है और साथ में सूप वगैरह, तो यहाँ सैलेड मौजूद है जी। रिजवान क्या क्या चीज़ें हैं, मिक्स सैलेड जी, मिक्स सैलेड ठीक है, ये सादे ये फ्रेश सैलेड है, फ्रेश जो सब्जियाँ होती हैं वो है, इसके साथ सॉस है, अचार भी हैं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आलू बुखारे की चटनी है, आलू बुखारे की चटनी है, चने हैं और हेलिपिनो भी है और इसके साथ ब्लैक ऑलिव भी है, साथ में ग्रीन ऑलिव भी हैं, तो यानी कि आपके पसंद की तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। एप्पल कैबेज सैलेड है जी, रशियन सैलेड भी है और एप्पल कैबेज सैलेड भी है जी, रेड बीन सैलेड है और पास्ता भी है थोड़ा, ठीक है चलें आगे चलते हैं। और जी ये मीठे में मैशमेलो है जी, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, एक स्वीट वेफर्स हैं ठीक है, जेलीज हैं यहाँ पर मुख्तलिफ, और ये केक पीस चॉकलेट ये तो ज़बरदस्त है और ये मुझे भी पसंद है बहुत, ज़ाहिर बात है खाने के बाद मीठा होना ज़रूरी है, ठीक है जी। और आगे आते हैं, इसके बाद चॉकलेट मूस है, चॉकलेट मूस ज़बरदस्त, तो चॉकलेट मूस भी यहाँ पर मौजूद है ज़बरदस्त, और ये पूरी पूरे मीठे का एक पूरा रेंज है यहाँ पर। अच्छा ये जो है पुडिंग है जी, पुडिंग है और ब्लूबेरी पुडिंग, तो ये भी मौजूद है यहाँ पर, और साथ में ये चॉकलेट ब्राउनीज, ये चॉकलेट ब्राउनीज़ है गर्मा गर्म। अच्छा चॉकलेट ब्राउनीज़ गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है ना, तो इसके साथ फ्रेश फ्रूट्स भी हैं, अगर बहुत सारे लोगों को फ्रेश फ्रूट पसंद होते हैं तो वो भी इसको, डबल खुबानी का मीठा भी है यहाँ पर, ये शाही टुकड़ा है, ये शाही टुकड़े हैं ठीक है, ठीक है, और हॉट गुलाब जामुन, गर्म गर्म गुलाब जामुन खाने का जो मज़ा है ना वो क्या बात है, ये देख लें ज़बरदस्त, ठीक है जी। और इसके साथ जेली है, जेली विद क्रीम, क्रीम भी है, क्रीम विद जेली भी है, फ्रूट मिक्स फ्रूट
ये मिक्स फ्रूट सैलेड टाइप की चीज़ है, कॉकटेल है, मिक्स फ्रूट कॉकटेल जो है ना वो मौजूद है यहाँ पर। और इसमें क्या है, फ्रूट ट्राइफल, फ्रूट ट्राइफल ये देखें जी, फ्रूट ट्राइफल भी है। काफ़ी मीठे में भी काफ़ी सारा, यानी कि पसंद नापसंद वाली चीज़ होती है ना, तो तमाम रेंज मौजूद है जो आप यहाँ आकर इंजॉय कर सकते हैं। रेड वेलवेट केक के पीसेज हैं, अच्छा ये दूध दुलारी है, आगे आइएगा ये देखें, ज़बरदस्त दूध दुलारी ये भी मौजूद है, फुल कलरफुल है माशाल्लाह, और ज़बरदस्त इसका भी कलर आपको नज़र आ रहा होगा। ये कस्टर्ड है, मूज है, ठीक है मूज है, और इसके साथ भी जेली एंड क्रीम है, और ये छोटा मक्खन पेड़ा बनाया है इन्होंने बाइट साइज, ताकि जितना भी आप ले सकें। अच्छा ये एग पुडिंग है, ठीक है, और साथ में शाही खीर, शाही खीर भी मौजूद है, ओ वाओ ये देखें जी, शाही खीर भी मौजूद है, यानी कि इंग्लिश और देसी दोनों यानी कि आप मीठा मौजूद है, ताकि आपको जो पसंद हो वो आप इंजॉय करें। ये शुगर फ्री खीर, अच्छा शुगर फ्री खीर है, ताकि जो डायबिटिक पेशेंट है ना वो भी इंजॉय कर सके मीठे के साथ, तो डायबिटिक फ्री शुगर फ्री खीर जो है ना वो भी मौजूद है। अब हम चलते हैं मेन कोर्स की तरफ, आइसक्रीम भी होती है, ठीक है आइसक्रीम भी मौजूद है यहाँ पर, ज़बरदस्त, यानी कि जो लोग आजकल गर्मी का मौसम है तो मूज़ है, आइसक्रीम है, चॉकलेट भी है, वेनेला भी है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है जी। और अब हम जा रहे हैं मेन कोर्स की तरफ जी, सबसे पहले जो मेरे सामने बॉक्स है ये है वाइट पास्ता, ठीक है जी वाइट पास्ता, और ज़बरदस्त ये वाइट सॉस के साथ जो पास्ता बनता है वो है, और ये बच्चे बड़े दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है मुझे भी पसंद है ये। और यहाँ जो है ब्रेन मसाला, यस तो मगज़ मसाला, ज़बरदस्त ये भी, कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका जो है ना आया हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, नान है, और अब ये हम देखते हैं क्या चीज़ है, ये ओ पाए है, मटन पाया, ठीक है जी मटन पाया मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ दो डिशेज़ हैं, दाल है और मिक्स वेजिटेबल, दाल भी है ठीक है, तड़के वाली दाल ज़बरदस्त जी, और इसके साथ मिक्स वेजिटेबल, ये देख सकते हैं आप ज़बरदस्त, दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और इसके अंदर जो है ना बहुत सारे लोग हैं जो मीट नहीं खाते हैं उनके लिए ज़बरदस्त है, कढ़ाई चिकन कढ़ाई अभी ताज़ी कढ़ाई के अंदर ही बनी हुई है ये, और कढ़ाई में ही सर्व कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई ज़बरदस्त टेस्ट में, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ रहा है, इसलिए कि इसके नीचे जो है ना हीट करने के लिए, इसको गर्म रखने के लिए जो है ना, अच्छा मैं कढ़ाई जितनी गर्म होगी उतनी ही टेस्टी होती है, और साथ में मटन कढ़ाई लीजिए जी, मटन कढ़ाई भी बहुत ही अच्छे कलर में है, अक्सर मैंने देखा है कि मटन कढ़ाई ज़रा डार्क कलर हो जाता है, लेकिन ये माशाल्लाह इन्होंने कलर को बहुत संभाला हुआ है, और एक अच्छा खाना बनाने के लिए ना एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। ये चिकन बिरयानी, वाओ ज़बरदस्त भाई, चिकन बिरयानी विथ ज़बरदस्त कलर के साथ, ओ अच्छी खुशबू है, ठीक है जी चिकन बिरयानी है, काफ़ी खूबसूरत से थाल में इसको निकाली हुई है, और गर्म भी है ये, नीचे से हीट भी इसको दे रहे हैं ताकि गर्म रहे ठंडी ना हो, ठीक है चले आगे चलते हैं। और ये हॉट एंड सावर सूप, जो मैंने आपसे कहा था कि सैलेड और सूप ये दोनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं, स्टार्टर के अंदर इस्तेमाल भी होती हैं, ये है हॉट एंड सावर सूप, ठीक है, और इसके साथ कॉर्न सूप, चिकन कॉर्न सूप, ठीक है जी ये है चिकन कॉर्न सूप,
और इसके लवाजमात भी मौजूद हैं, हॉट चिली सॉस है, सोया सॉस है एंड ग्रीन चिली विद सिरका, ठीक है, और सूप ज़बरदस्त खूबसूरत कलर के अंदर जो है ये तैयार हुआ हुआ है। तो सूप के बारे में बता दूं, सूप दो तरीके से पिया जाता है, स्टार्टर में पियेंगे तो आपकी भूख बढ़ जाएगी और आखिर में पियेंगे तो इससे आपकी भूख जो है ना सारा खाना हजम भी हो जाता है, ठीक है। वाह, ये अगवानी अगवानी पुलाव, ठीक है जी, ज़बरदस्त कलर में विद ब्लैक किशमिश के साथ और बहुत ही अच्छा इसका कलर है, खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है इसकी, ज़बरदस्त है। और नेक्स्ट चिकन जिंजर एंड वाइट वाइट कढ़ाई, चिकन जिंजर एंड वाइट कढ़ाई दोनों हैं और ये भी खूबसूरत कलर में अच्छे से उसमें बनाया गया है इसको। और यहाँ जो है नेक्स्ट कड़ी पकौड़ा है और जीरा राइस, कड़ी कड़ी जो है वो भी बहुत सारे लोग बड़े शौक से खाते हैं, तो कड़ी भी है विथ राइस है, ज़ीरा राइस के साथ, ठीक है जी, ये भी पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद आती है और इन्जॉय करते हैं, ठीक है जी। ये है पालक पनीर विद मैश पोटैटो, ठीक है, पालक पनीर विद मैश पोटैटो, इसको भी बहुत पसंद किया जाता है, ये राइस के साथ रोटी के साथ दोनों के साथ बहुत पसंद से जो है ना लोग खाते हैं इसको, ठीक है जी। और ये जो है मटर कीमा, मटर कीमा और बीफ हलीम, यानी कि तकरीबन आपको यहाँ पर तमाम वैरायटी जो है ना वो मिल जाएगी और तमाम बेहतरीन, और इसके साथ लवाजमात भी रखे हुए हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ये बीफ निहारी है, वो जो पहले निहारी थी वो चिकन थी, पाया था, ठीक, ये बीफ निहारी, ठीक है जी। और आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये अभी आपको वाइट पास्ता मैंने दिखाया था, ये टमाटो बेस्ड पास्ता है, ठीक है जी, स्पाइसी पास्ता, स्पाइसी, ठीक है, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, वाइट सॉस वाला भी पास्ता खा सकते हैं और स्पाइसी पास्ता भी आप ले सकते हैं। तो टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं बारबेक्यू सेक्शन में आ चुका हूँ और बारबेक्यू जो है ना इस वक्त गर्मा गर्म आप देख सकते हैं, बारबेक्यू जो है ना वो हो रहा है। और जी रिजवान, बारबेक्यू क्या क्या बना रहे हैं बारबेक्यू में? बारबेक्यू में हम लोग बना रहे हैं रेशमी कबाब है, रेशमी कबाब है, फिश कबाब है, फिश कबाब है, उसके बाद स्पाइसी बोटी है, स्पाइसी बोटी है, और चिकन कबाब, चिकन कबाब है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ताज़ा फ्रेश तैयार होती हैं, मलाई बोटी भी है, ठीक है, मलाई बोटी भी है, ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार हो रही हैं, फ्रेश फ्रेश तैयार हो रही हैं और इसी तरह से एक बड़े थाल में रखी जा रही हैं ताकि फिर यहीं से आप जो है ना इसको आगे इंजॉय कर सकें। जी आगे चलते हैं, जी आपको आवाज़ आ रही होगी, दो मिनट दो मिनट, अभी जो है आपको दिखाने जा रहे हैं कटाकट, ठीक है, आप इसका साउंड सुने और मजे लें। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अब ये कुछ फ्राइड आइटम की तरफ भी आ गए हैं और ये है आलू तरकारी और चना तरकारी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी मौजूद हैं, यानी कि अगर ये मौजूद है तो पूरियां भी मौजूद होंगी, लाजमी है, बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें भी पसंद करते हैं तो उनके लिए भी ये बनाया गया। अच्छा, पूरी जो है वो लाइव बना कर दी जाती है जब आपको ज़रूरत हो, ठीक है, ये देखें पूरी है, हलवा भी है साथ में सूजी का, ठीक है जी। और आगे आते हैं जी, और इसकी ग्रिल सॉस, वो देखें ग्रिल चिकन, ये ग्रिल चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसके अंदर ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जो डाइट पर लोग हैं ना वो इसको पसंद करते हैं, और इसके साथ सॉस भी है बहुत सारा, ये टैरागन सॉस है, इसके साथ मोरक्कन सॉस है,
मैक्सिकन हैं इसके साथ था, सारी सारे तकरीबन सॉस मौजूद है, फ्रेंच फ्राइज भी मौजूद है ताकि बच्चे भी इसको इंजॉय कर सकें, एंड फ्राइड फिश मौजूद है आपके पास काफ़ी अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी, ये देख लें बहुत ज़बरदस्त फ्राइड फिश है, ये क्रिस्पी हुई हुई है बिल्कुल बेहतरीन। और यहाँ आ गया फ्राइड प्राउन्स, जिन लोगों को सी फूड पसंद है उनके लिए फ्राइड प्राउन्स हैं, ठीक है ये भी आप इंजॉय कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, ये देखें गर्मा गर्म फ्राइड प्राउन्स, ये आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म है, और एक ज़रा टेस्ट भी करके देखते हैं। वाह वाह वाह, हु 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 हु, हा 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 हा, काफ़ी क्रिस्पी मज़ेदार, और फ्राइड बटेर ये आप देख सकते हैं फ्राइड बटेर है, और मासूम बटेर बेचारे फ्राइड फ्राइड, तो ये बटेर जिन लोगों को बटेरे खाने का शौक़ है वो बटेर भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। ये इसके सॉस हैं, गार्लिक मायो हैं, थाउजेंड ऑयल आइलैंड सॉस है, चिली गार्लिक है, एंड केचप है, ठीक है जी, ये भी है मौजूद यहाँ पर। आगे आते हैं जी, अब हमारे पास आ गया है चिंग चोंग चाइनीज़ जी, चाइनीज़ में चिकन चिली ड्राई एंड चिकन शाश्लिक दोनों चीज़ें मौजूद हैं, और अब आपको हर तरह की वैरायटी फ्राइड से लेकर बारबेक्यू से लेकर देसी खाने से लेकर चाइनीज़ खाने से लेकर हर चीज़ आपको यानी कि यहाँ पर आपको मिल रही होती है, ताज़ा गर्म बन भी रही है, जैसे ख़त्म होता है नई चीज़ बनाकर इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से आपको गर्मा गर्म सर्व किया जाता है, ठीक है। यह है एग फ्राइड राइस, ज़बरदस्त खूबसूरत कलर में एग फ्राइड राइस तैयार हैं, ठीक है, तो अभी जो मंचूरियन वगैरह दिखाया है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और अब एक और लास्ट चिकन चौमियन, चिकन मंचूरियन दोनों मौजूद हैं, ठीक है। और तकरीबन जो लोग चाइनीज़ पसंद करते हैं और डिफरेंट चाहते हैं कुछ, वो लोग इस तरह के खाने से भी इंजॉय कर सकते हैं, और मज़ेदार रेसिपी आपको जो है ना घर बैठे आराम से मिल जाएगी, यहाँ पर करीब है बहुत, और क्लॉक टावर पे आएँ और अपने खाने से मज़े करें, ठीक है जी। और इतनी सारी वैरायटी है कि आपको पसंद नापसंद में मसला हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आप दिल भर कर खा सकते हैं, ठीक है। तो किचन चलते हैं और किचन में क्या काम हो रहा है आइए चल के दिखाते हैं। ये हमारा गर्मा गर्म सेक्शन है, जो सब सारी मेहनत यहाँ से होती है और फिर जाकर जो है ना बाहर चीज़ें जाती हैं, तो इस वक्त मेरे सामने जो है गर्मा गर्म फ्राइज जो है वो तैयार हो रहे हैं, और हाफ डन किए हुए हैं, दोबारा से इसको फ्राई होगा फिर जाकर ये, अच्छा ये हॉट स्टेक जो है हम ये गर्मा गर्म सिजल प्लेटर है और उसमें गर्म होता है और उसके बाद इसको सर्व किया जाता है, ठीक है। ये हॉट प्लेट है जहाँ पर बहुत सारे बर्गर वगैरह के लिए भी चीज़ें तैयार होती हैं। ये ग्रिल पैन है, ग्रिल पैन के ऊपर आप बहुत सारे खाने बना रहे होते हैं, और ये बर्गर बन रहा है एक, ज़रा आपको दिखाते हैं जी, क्या हाल है भाई, बेटा कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और ये एक बर्गर जो है तैयार हुआ हुआ है, ऑर्डर का बर्गर है ये, क्या नाम है इस बर्गर का, फजीता बर्गर जो है ये तैयार है, और इसी के साथ ये क्लब सैंडविच क्लब सैंडविच जो है वो भी तैयार है, आपका दिल चाह रहा होगा खाने का लेकिन अभी आप खा नहीं सकते। और यहाँ जो सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं ये देख सकते हैं आप, सारी फ्रेश सब्ज़ियाँ हैं, ताकि जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा जो है ना लोगों तक सर्व होगा, ठीक है। हाँ अच्छा, ऑर्डर आ रहा, इधर आ जाएं, एक और ऑर्डर हो रहा है उधर से बाहर से ले लें, ठीक है। ये हम स्टेक तैयार कर रहे हैं,
और वो क्या बन रहा है वो? हाँ स्टेक के लिए, ठीक है। ये देखें, ये हॉट प्लेट जो गर्म हो रही थी ना, ये वो सीजलिंग प्लेटर जो होता है ये वो है, और इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स, सौते वेजिटेबल और ग्रिल चिकन विथ बटर, बटर के साथ इन्होंने जो है ना इसके अंदर बटर डाला, प्याज डाली ऊपर से, फिर ये मोरक्कन सॉस जो है ये इसके अंदर डाला जाएगा। ओके ये आओ, इसकी आवाज़ जो होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, और इसको लाइए ज़रा। जाओ 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 जाओ, वाह 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 वाह, कैसे ज़बरदस्त गर्मा गर्म। और एक प्लेटर और बन रहा है बहुत खूबसूरत। अच्छा ठीक है, ये ज़रा देखें इसको कॉन्टिनेंटल को कैसे सर्व किया जा रहा है, ठीक है। ये गाजर से पूरी इसकी गार्निशिंग हुई हुई है, ऊपर हरी प्याज जो होती है उससे इसको बनाया है, साथ में ये नूडल फ्राइड हुए हुए हैं इसको लगाया है इसके ऊपर, और ये सब्जियां हैं, ये मिक्स सब्जी जो है ये तैयार है। ये गर्मा गर्म चिकन ग्रिल हुई हुई, ये ऑलिव, हाँ ठीक है, सही है सही है, ठीक है। ये कौन सा सॉस डाला है? टैरागन सॉस। टैरागन ग्रिल चिकन विद टैरागन सॉस, ठीक है। टैरागन सॉस के साथ जो है ग्रिल चिकन सर्व कर दी गई है, और ये इसका फाइनल फाइनल गार्निशिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। वाओ जी, यस वी गो, ठीक है जी। जी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक फिर वापस आते जी। नाज़रीन, तो अभी हमने पूरा क्लॉक टावर आपको विजिट करवाया, पूरी तमाम चीज़ें आपको दिखाई, इसके तमाम फ्लोर्स दिखाए आपको, एम्बियंस जो है वो दिखाया, समंदर दिखाया आपको मैंने, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, किचन का भी विज़िट आपको मैंने करवा दिया, और इसके साथ अदनान मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत से जो है तमाम चीज़ें दिखाई हैं माशाल्लाह। और अब हमारे पास जो है वो डिनर लग चुका है, इसमें बटेर भी हैं और कबाब भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नाम मुश्किल ही है मेरे सामने लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिरयानी, मलाई बोटी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको दिखाया था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और अब हम इसको टेस्ट करने जाएंगे। लेकिन मैं इससे पहले कि आपका शुक्रिया अदा करूँगा अदनान, तो आप एज ए मैनेजर यहाँ पर काम कर, जनरल रेस्टोरेंट मैनेजर, तो हमारे जो मेहमान हैं, जो दूसरे लोग आए, तो इंशाल्लाह उनको भी अच्छे से अच्छा सर्विस दीजिएगा, इसलिए कि हम अपने चैनल की तरफ से आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि भाई यहाँ पर आएँ, और ज़रूर, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर जो है क्लॉक टावर आएँ, और आकर मज़ेदार एम्बियांस का भी इंजॉय करें, मज़ा लें, और साथ में खाने का भी इंजॉय करें। तो खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पसंद नापसंद भी होती है, लेकिन हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि देसी खाने भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, चाइनीज़ भी हैं, बारबेक्यू भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग
मीठे के शौकीन हैं उनके लिए पूरी वैरायटी जो है ना यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त रेंज आपने रखा हुआ है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नीचे जो है बुफे का इंतज़ाम है और ऊपर जो है अलाकाट है, तो ऊपर भी बैठ सकते हैं आप, अपनी प्राइवेसी को भी वो रख सकते हैं। छोटी मोटी आप पार्टी करना चाहते हैं जैसे कि सालगिरह है, या कोई गेट टू गैदरिंग करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्पेस काफ़ी यहाँ पर मौजूद है, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो चले थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। ठीक है, इसलिए कि तमाम मैंने किचन का भी विज़िट किया है, बनते हुए भी देखा है खाना, तो माशाल्लाह काफ़ी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा है, इसलिए कि आजकल हाइजेनिक चीज़ों का बहुत ज़रूरी है उसका ख्याल रखना, इसलिए कि बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो फैलती जा रही हैं, तो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज किया हुआ है पूरे किचन को। तो ये जो है ये चिकन कबाब, चिकन कबाब है, चले जी। और ये सॉस के साथ थोड़ा सा इसको हम टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट है, और साथ में अटेर बटेर, ये देख अटेर बटेर को भी टेस्ट करते हैं थोड़ा, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है, तो मैंने कहा चलें इसका भी टेस्ट आपको बताता हूँ। जो जो चीज़ें मेरे करीब हैं मैं उसका टेस्ट करके आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग बहुत ही सॉफ्ट अंदर से, ऊपर से क्रिस्पी हुआ हुआ और सही तरीके से इसके अंदर जो मसाला है उसको मैरिनेट बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, और इसी तरह से तमाम चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और सी फूड का मैं वैसे भी बड़ा शौकीन हूँ, और यहाँ पर फ़िश जो है ना वो भी फ्राई भी है, प्राउन्स भी हैं, तो एक आध प्राउन मैंने पहले भी टेस्ट किया हुआ था, इसलिए कि प्राउन और फ़िश अगर फ्रेश ना हो तो बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश है, और इंशाल्लाह आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा टेस्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी हेल्प की हमारी इन चीज़ों के अंदर, और अपने मसरूफ़ टाइम में से जो है ना टाइम निकाला, और इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पर आता रहूँगा, और कोशिश करेंगे कि बाकी लोग भी जो जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं इंशाल्लाह वो लोग भी आएंगे अच्छी तरह से। जब वो बताएं कि आज का तड़का जो है ना ये हमारा शो देखकर आपके यहाँ आए हैं, तो उनको ज़रा अच्छी तरह से ज़रा वेलकम कीजिएगा, और अच्छा डिस्काउंट डिस्काउंट दीजिएगा, ताकि वो लोग जो है ना हवाला देंगे इंशाल्लाह, उनको डिस्काउंट भी देंगे जी, और अच्छी सर्विसेज भी देंगे जी। नाज़रीन, तो जो लोग आज का तड़का आज इंटरटेनमेंट में जो आज का तड़का हमारा शो है उसको देखकर जो लोग भी यहाँ आएंगे, उनको अदनान ने बोला है कि भाई हम आपको जो है ना यहाँ पर डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है जी, तो अब आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप यहाँ आएँ और आकर इंजॉय करें, मज़े मज़े खाने इंजॉय करें, और मेरी तरफ से आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।